नमस्कार दोस्तों, आप सभी का फिर से स्वागत है टेक्नोलॉजी क्रीड़ा चैनल में। और आज का जो वीडियो है वो यही रहेगा, क्योंकि एक दो जो मेंबर वह हैं उन्होंने जो सवाल पूछा वो ये है कि शायद उनको समझ में नहीं आया कि कितना कोर्स जो है वो कंप्लीट हो चुका है। तो एक बार के लिए वॉक थ्रू कर लेते हैं कि कितना कोर्स जो है वो कंप्लीट हो चुका है। और मेंबरशिप के अंदर जो लोग मेंबरशिप को ज्वाइन करना चाहते हैं वो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, वहां पर एक गूगल फॉर्म मिलेगा, उसे आप लोग फिल कर सकते हैं तो आप लोगों की मेंबरशिप स्टार्ट हो जाएगी। आज उसकी फीस 600 रुपीज है और आप लोगों को जो 600 रुपीज में अभी तक जो मैंने कवर कर दिया है वो मिलेगा, आगे भी आप लोगों को मिलेगा। और मैं ये बोल दूं आप लोगों को, लिटरली जो आज ज्वाइन करता है उसके लिए 600 रुपीज है, लेकिन हो सकता है कि कल ही इसकी फीस 800 या 1000 रुपीज हो जाए। तो वो जो है आप लोग देखिएगा, अभी तक जो कोर्स कवर हुआ है उसमें ASP.NET MVC कंप्लीट हो चुका है, उसमें दो प्रोजेक्ट आप लोगों को मिल चुके होंगे। और ये कंप्लीटनेस नहीं है, हम इसके आगे भी करेंगे जब हम लोग आर्किटेक्चरल लेवल डिजाइन करेंगे तब, ठीक है। तो एक बार के लिए जो बिगनर्स हैं उनके लिए कंप्लीट हो चुका है। उसके बाद में मैंने ब्लेजर का बिगनर लेवल जो है वो कंप्लीट कर दिया है। उसके बाद में आप लोगों को फंडामेंटल वीडियोस मिल गए होंगे एंगुलर के ऊपर और REST API के ऊपर, तो वो भी मैंने क्लियर कर दिया है। अब हमारा जो प्रोजेक्ट चल रहा है एंगुलर के अंदर चल रहा है, और वो भी लेटेस्ट एंगुलर के अंदर चल रहा है, तो वो अभी चल रहा है, ठीक है। तो ये जो कोर्स है वो आप लोग देखिए कि मैंने क्या जो कोर्स है उसमें कंप्लीट किया। तो इसमें बहुत कुछ सीखने को आप लोगों को मिला है, और बहुत सारे लोगों ने तो जॉब ले लिया है। यानी कि कहने का मतलब है सीधा सा कि एक सिंपल स्टडी की वजह से, यानी कि .NET कोर को पढ़ने पढ़ने और API को पढ़ने पढ़ने से ही उनका जॉब जो है वो सिक्योर हो गया है। तो मेरा कोर्स कंटेंट ही ऐसा है कि अगर आप लोग लिटरली उसे पढ़ेंगे, उसे देखेंगे, वीडियोस को देखेंगे और प्रैक्टिस घर पर करेंगे, तो डेफिनेटली आप लोगों का भी जॉब लगने के बहुत सारे चांसेस बन जाते हैं, और आप लोगों को भी अपना ड्रीम जॉब जो है वो मिल सकता है। अगर आप लोग फुल स्टैक डेवलपमेंट की ओर सोच रहे हैं तो ये 600 रुपीज आप लोगों के लिए बेनिफिशियल साबित हो सकते हैं। तो मैं यही कहूंगा, जिन्होंने अभी तक मेंबरशिप नहीं ली है इस वीडियो को पूरा देखिए, और आप लोगों को समझ में आ जाएगा कि 600 रुपीज आप लोग जो है बेनिफिट ही आप लोगों को मिलेंगे, और वो भी इतने बेनिफिट कि 60,000 में वो आप लोग बाहर से परचेज करते हैं, वो आप लोगों को 600 रुपीज में। मैं अपने 10 to 14 ईयर का एक्सपीरियंस आप लोगों के सामने शेयर कर रहा हूँ, दैट्स इट। तो चलिए अब हम लोग चलते हैं अपने कोर्स की ओर, और जिनको मेंबरशिप ज्वाइन करनी है वो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, वहां पर एक गूगल फॉर्म मिलेगा, उसे आप लोग फिल कर सकते हैं। तो ये जर्नी यहाँ से स्टार्ट होती है, आप लोगों को मेंबरशिप कोर्सेज पर क्लिक करना है। मेंबरशिप कोर्सेज को पढ़ने के लिए यहाँ पर ये जो व्यू का बटन है, यानी कि यहाँ से आप लोग वीडियोस देख सकते हैं, यहाँ से आप लोग डाउनलोड सोर्स कोड, कंप्लीट सोर्स कोड जो है वो आप लोगों को डाउनलोड करना है, तो आप लोग यहाँ से आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर अगर आप लोग देखें तो ASP.NET कोर कोर्स करिकुलम है, जो व्हाट इज .NET एंड इट्स अ कंपोनेंट, गेटिंग स्टार्टेड विद .NET कोर, कैसे MVC वर्क करता है, सिंगल मॉडल क्रेड ऑपरेशन क्या होता है, रिपोजिटरी पैटर्न क्या होता है 3D आर्किटेक्चर के अंदर, फिर रिपोजिटरी पैटर्न क्या है, क्रेड ऑपरेशन ऑन कंट्री, यानी कि यहाँ पर रिलेशनशिप भी है 1 to many की। उसके बाद में आप लोग देखेंगे व्यू मॉडल और मैनुअल मैपिंग क्या है, एसिंक जो है प्रोग्रामिंग वो क्या होती है, सिंक्रोनस प्रोग्रामिंग क्या होती है, पार्शियल व्यू एंड व्यू कंपोनेंट क्या होते हैं, ये आप लोगों को मिलेगा। उसके बाद में जस्ट यहाँ पर देखे सेशन इन ESP.NET कोर क्या होता है, रिपोजिटरी फॉर फाइल सेव इन लोकल स्टोरेज इन ESP.NET क्या होता है, आर्टिस्ट कंट्रोलर इन कॉन्सर्ट बुकिंग क्या है, यहाँ पर ये एक नया प्रोजेक्ट जो है वो स्टार्ट हो जाता है कॉन्सर्ट बुकिंग सिस्टम का, और यहाँ पर होम पेज एंड डिटेल पेज ऑफ कॉन्सर्ट बुकिंग सिस्टम, अवेलेबल टिकट फॉर कंट्रोलर एक्शन, ये सारे के सारे वीडियोज आप लोगों को देखने को मिलेंगे। फिर आइडेंटिटी का कॉन्फ़िगरेशन आप लोगों को सीख सकते हैं इसी प्रोजेक्ट के अंदर। उसके बाद में आइडेंटिटी डाटा सीटिंग एंड डिफॉल्ट रोल आप लोग सीख सकते हैं। यहाँ पर Phase 3 के अंदर आप लोग कॉन्सर्ट टिकट बुकिंग मॉड्यूल है, शो टिकट एंड द प्रिंट टिकट मॉड्यूल है, मैनी टू मैनी रिलेशनशिप है, फिर व्हाट इज फ्लुएंट API क्या होता है, मैनी टू मैनी, यहाँ पर आप लोगों का जो कॉन्सर्ट बुकिंग वाला जो सिस्टम है, प्रोजेक्ट वाला सिस्टम है, वो यहाँ पर एंड हो जाता है। उसके बाद में व्हाट इज फ्लुएंट API क्या है, स्किल एंट्री रिपोजिटरी एंड कंट्रोल, मैनी टू मैनी रिलेशनशिप क्या है, एडिट मैनी टू मैनी एंड 1 to many रिलेशनशिप में आप लोगों को 1 to 1 रिलेशनशिप क्या है, मैनी टू मैनी में एडिट क्या ऑपरेशन कैसे करते हैं, पेजिंग क्या होता है, सर्चिंग क्या होता है, और यहाँ पर आप लोगों के पास है जेनेरिक रिपोजिटरी इन ESP.NET कोर। जो लोग यहाँ पर मेंबर नहीं रहेंगे उनके पास ये मैसेज आएगा, यू आर नॉट अलाउड टू डाउनलोड, ठीक है, यू आर नॉट अलाउड टू व्यू, ठीक है, आप लोग ये व्यू नहीं कर सकते हैं अगर आप लोग मेंबर नहीं है। मेंबर बनने के लिए आप लोगों को वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाना है,
वहां पर एक गूगल फॉर्म आप लोगों को मिलेगा एंड फाइनली आप लोगों को उसे क्लिक करना है, ठीक है। जैसे ही आप लोग मेंबर बनेंगे तो आप लोगों के पास ऐसे ऑप्शंस आने स्टार्ट हो जाएंगे। तो ये देखिए, जेनेरिक रिपोजिटरी विद यूनिट ऑफ वर्क मैंने बताया है, क्लीन आर्किटेक्चर क्या होता है विद जेनेरिक रिपोजिटरी, यहाँ पर उसके बाद में क्लीन आर्किटेक्चर के ऊपर एक प्रोजेक्ट स्टार्ट हो जाता है, दैट इज स्टूडेंट मैनेजमेंट सिस्टम का, और ये स्टूडेंट मैनेजमेंट सिस्टम का प्रोजेक्ट जो है वो यहाँ तक चलता है। आप लोग देखिए 40 हो गया, उसके बाद में आप लोग देखिए 41 डेज, डेज वाइज मैंने कवर कर रखे हैं विद आप लोगों के टॉपिक्स आप लोगों के सामने है, थीम्स एंड नेविगेशन फॉर द स्टूडेंट मैनेजमेंट एंड कैसे कैसे हम लोग जो है लेआउट पेज को तैयार करते हैं, थीम सेटअप हम लोग कैसे करते हैं किसी भी प्रोजेक्ट के अंदर वो भी मैंने बताया है। तो यहाँ पर ये पूरा कंप्लीट है, ये 7 कस्टम वैलिडेशन एंटी फोर्जरी एंड एक्सटेंशन मेथड इन ASP.NET कोर, ये कंप्लीट यहाँ पर 47 वीडियो। अब 47 वीडियो तक स्टूडेंट मैनेजमेंट कंप्लीट हो जाता है, उसके बाद में हम लोग यहाँ पर API का थोड़ा पार्ट हम लोग बताते हैं। ये 2 वीडियो के अंदर API बताया हुआ है क्योंकि API को समझाना था, क्योंकि ब्लेजर के अंदर हम लोग API यूज करेंगे। अब 50 वीडियो से आप लोगों का ब्लेजर स्टार्ट हो जाता है बिगिनर के लिए, माइक्रोसॉफ्ट ब्लेजर इंट्रोडक्शन एंड द लूप्स पैरामीटराइज कंपोनेंट एंड माइक्रोसॉफ्ट WSM क्या है, रेंडर फ्रेगमेंट एंड जेनरिक कंपोनेंट क्या है, कॉल जावास्क्रिप्ट फंक्शन एंड CSS फंक्शन, ये सारे के सारे आप लोगों के जो है ब्लेजर के हैं, ये सारे वीडियोस आप लोगों के ब्लेजर के हैं जो आप लोग देख रहे हैं, ठीक है। उसके बाद में आप लोगों के पास देखिए 68 69 70 ये सारे वीडियोस आप लोगों के ब्लेजर के हैं, क्योंकि ब्लेजर में थोड़ा सा लेंथी प्रोसेस है, वो फ्रंट एंड है हमारा और WSM का ही पार्ट है। तो यहाँ पर हम लोगों ने ब्लेजर को एंड किया था 94 वाले वीडियोस के ऊपर, ठीक है। यहाँ पर आप लोग देखिए 93 94 95 में ये कंप्लीट डाउनलोड यहाँ से भी आप लोग कर सकते हैं। उसके बाद में 96 वीडियो से आप लोगों का API स्टार्ट हो जाता है, API में आप लग गेटिंग स्टार्टेड विद ASP.NET RESTful API वर्ब मॉडल एंड कंट्रोलर, उसके बाद में SQL सर्वर डाटाबेस के साथ API में कैसे करते हैं, टेस्ट कैसे करते हैं स्वेगर के अंदर, स्टेटस कोड क्या होते हैं, सिंक्रोनस एसिंक्रोनस कंटेंट नेगोशिएशन एंड माइग्रेशन इन ये क्या होता है, सेव फाइल इन ब्लॉब स्टोरेज यूजिंग ASP.NET Core REST API, Azure के अंदर जो ब्लॉब स्टोरेज होता है उसमें कैसे सेव करते हैं किसी भी फाइल को, मॉडल वैलिडेशन क्या होता है, राउटिंग क्या होता है, यहाँ पर एक बुक का प्रोजेक्ट जो है वो स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। API के अंदर एक छोटा सा प्रोजेक्ट है जो बुक का स्टार्ट हो जाता है, ये फंडामेंटल्स हैं जो API के हैं, ऑथेंटिकेशन ऑथोराइजेशन क्या है, सीक्रेट की क्या होता है, शॉर्टिंग क्या होता है, ये सारा मैंने बता रखा है। उसके बाद में RESTful API का आप लोग कंप्लीट जो सोर्स कोड है वो यहाँ से आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं। ये हो गया एक 112 के बाद में, ठीक है। तो API का पार्ट यहाँ तक कंप्लीट होता है, उसके बाद में आप लोग यहाँ पर एंगुलर विद ASP.NET कोर देख सकते हैं, ठीक है। तो ये जो वीडियो है आप लोगों का 113 नंबर वाला है, ठीक है। यहाँ से 113 नंबर पे एंगुलर स्टार्ट हो जाता है, ये फंडामेंटल्स हैं एंगुलर के वीडियोस के, आप लोग देखिए, ठीक है। 122 एंगुलर वैलिडेशन पार्ट 1, एंगुलर वैलिडेशन पार्ट 2, एंगुलर मॉडल बाइंडिंग, ये एंगुलर के वीडियोस आप लोगों की, और ये बेसिक वीडियो ट्यूटोरियल्स हैं अभी, और कुछ लोग इनको एडवांस मान लेते हैं लेकिन मैं इनको एडवांस नहीं मान रहा, ठीक है, क्योंकि एडवांस लेवल के वीडियोस जो है उसमें हम लोग एक पूरा कंप्लीट प्रोजेक्ट जो है SLT डिजाइन और LLT डिजाइन के अंदर करेंगे, उनके हम लोग जो है पहले बताएंगे आप लोगों को कि ये प्रोजेक्ट हम लोगों का बनना है, कैसे बनाना है, कैसे एक्सेप्शन हैंडलिंग उसमें करनी है, कैसे उसका मैनेजमेंट प्रॉपर करना है, ये सारी चीजें बनाएंगे। तो मैंने एक फंडामेंटल के बेसिस पे भी आप लोगों को प्रोजेक्ट दिया, तो 600 रुपए में तो कोई प्रोजेक्ट भी नहीं देता आपको। मैं यहाँ पर एंगुलर में भी आप लोगों का अभी देखिए 132 हो गया, उसके बाद में 130 ये हो गया 133, ठीक है। ये सारे के सारे वीडियोज आप लोगों के पास मिलेंगे। उसके बाद में नेक्स्ट फिर से हम लोग चलते हैं, आप ये देखिए 151 तक आप लोगों के पास, और यहाँ पर ये प्रोजेक्ट चल रहा है एंगुलर के अंदर, लेटेस्ट वर्जन का जो एंगुलर है उसमें आप लोगों के पास प्रोजेक्ट चल रहा है। तो यहां तक आई होप आप लोगों को यहां से भी आप लोग नेविगेट कर सकते हैं, ठीक है। ASP.NET RESTful API पढ़नी है यहाँ पर पढ़ो, एंगुलर विद एंगुलर के फंडामेंटल्स पढ़ने हैं यहाँ पर पढ़ो, एंगुलर और RESTful API का प्रोजेक्ट आप लोगों को पढ़ना है यहाँ से पढ़ सकते हैं। अब रिएक्ट फंडामेंटल भी यहाँ पर आप लोगों के स्टार्ट है, तो रिएक्ट फंडामेंटल भी आप लोग चेक कर सकते हैं, देखिए दिस वन, ठीक है। तो दोस्तों लिटरली मैं आप लोगों को बता रहा हूं, जो लोग कुछ पढ़ना चाहते हैं, कुछ सीखना चाहते हैं, वो ये ज्वाइन कर सकते हैं। आज इसकी फीस 600 रुपीज है, लेकिन कल इसकी फीस जो है हो सकता है 1000 रुपए हो जाए या इससे भी ज्यादा हो जाए। तो मैं उसके लिए मैं नहीं कह सकता कि आप लोगों को जो है यही पैकेज जो है वो 600 रुपीज में मिल जाएगा। आज जिसको लेना है वो गूगल फॉर्म फिल कर सकता है, वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, उसे फिल कर दीजिए, फाइनली आप लोगों की मेंबरशिप स्टार्ट हो जाएगी।